अभी सुननी है या व्यक्त वाणी? बाबा जो सुनाना है जो सुनेंगे सो सुनेंगे। अव्यक्त वाणी सुनेंगे तो रिसेंट मिलेगी, दो एक दिन की मुरली पुरानी मिलेगी। दो फरवरी वाली मिलेगी, दो फरवरी वाली। हाँ जी हाँ जी। रिसेंट माने क्या? लेटेस्ट। रिसेंट माने दो फरवरी वाली। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 2 फरवरी 2007। हेडिंग दिया है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा का टाइटल क्या दिया? विश्व परिवर्तक बाप दादा। विश्व परिवर्तन करने से पहले ही चले जाते हैं या विश्व परिवर्तन करके जाते हैं? करके जाते हैं। और किससे मिलने आए हैं? सिर्फ साथी बच्चों से नहीं, अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। जो हेडिंग दिया एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। ऐसे साथी बच्चे कौन सी माला के बच्चे होंगे? विजय माला के साथी बनी होंगे है? 3 विशेषताएं बताई, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट। तो विजय माला में कौन सी क्वालिटी नहीं मिलती? रिचेस्ट नहीं है लक्ष्मी और रिचेस्ट नहीं जो बांटने वाली है, है? बिना उसके बांटे प्राप्ति होने वाली नहीं, सब मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करती, एक ही बात की पूर्ति करती है। जो भगवान का बड़े से बड़ा दिया हुआ धन है वो देती है, देने के निमित्त बनती है। और प्रैक्टिकल जीवन में देने के निमित्त बनती है। हुँ?
ज्ञान धन तो रुद्रमाला के मणके भी लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लेते हैं क्या? प्रैक्टिकल जीवन बनाते हैं क्या? ज्ञान लेना एक बात और ज्ञान लेकर के धारण करके प्रैक्टिकल जीवन बनाना अलग बात। तो बनाते हैं क्या? रुद्रमाला के मणके प्रैक्टिकल जीवन बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। तो देने वाला रिचेस्ट हुआ या लेने वाला रिचेस्ट हुआ? लक्ष्मी ज्ञान धन देने वाली है, इसलिए माता गुरु कहा जाता है। माता में ऐसी कौन सी खसूसियत और पिता में ऐसी कौन सी कमी जो पिता गुरु नहीं कहा गया है? कोई प्योरिटी की पावर, जो माताओं में प्योरिटी की पावर है, धारणा शक्ति, इसलिए माता गुरु है मुख्य। तो रिचेस्ट जहां तक बात आती है, विजयमाला की हेड तो बहुत रिचेस्ट है। फिर लेकिन बनती कब है रिचेस्ट? रिचेस्ट कब बनती है? ऐड होती है, उल्टा ही बात कह दी। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होते हैं, लेकिन लक्ष्मी भी रिचेस्ट तब बनती है जब एडवांस ज्ञान उठाती है। होलीएस्ट भी है। चलो रिचेस्ट भी है, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन विष्णु की है, जो मीडियम तबके में दिखाया है। या हाईएस्ट पोजीशन शिव शंकर भोलेनाथ की है, जिसका नाम हाईएस्ट शिव के साथ जोड़ा जाता है। उनकी माला है रुद्रमाला। रुद्र है बड़े ते बड़ा, तो साथी बच्चे कौन से हुए? रुद्रमाला में ही साथी बच्चे हैं। जो विजयमाला वालों के भी बीज हैं, इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है, किन बच्चों की बात की है? हर एक बच्चा होलीएस्ट, होलीएस्ट एक होगा या हर एक होगा है? कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, दो के बीच में तुलना की जाती है तो कहेंगे एक है बेटर,
जब कहेंगे बेस्ट तो एक ही होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट कैसे? बाबा को अंग्रेजी नहीं आती क्या? इसलिए बोला कि हर एक बच्चा अपनी अपनी जनरेशन में पूर्वज है। अष्टदेवों में से जो आठ हैं वो अंत में जाकर कोई न कोई जनरेशन के निमित्त बन जाते हैं उठाने की। कोई चंद्रवंश का निमित्त बनता है, कोई इस्लाम वंश का निमित्त बनता है, कोई क्रिश्चियन वंश का निमित्त बनता है, कोई बौद्ध धर्म का निमित्त बनता है। क्योंकि पूर्वज हैं, पहले पहले जन्म लिया है तो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए जिस जनरेशन को उठाने के निमित्त बनते हैं खास, अंतिम जन्म में जाकर के उन्हें वहां ट्रांसफर होना पड़ता है। जैसे कहते थे अच्छे अच्छे हैंड्स कहाँ भेजे जा रहे हैं? विदेश में भेजे जा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो कलयुग के अंतिम जन्म में भारत का जो जहीन तबका है वो भारत में सेवा के निमित्त बन रहा है या विदेशों में सेवा के निमित्त बन रहा है? विदेशों में जा रहा है। तो बोला हर एक बच्चा होलीएस्ट है, किनके बीच में? अपनी जनरेशन नहीं, वो नहीं अपनी जनरेशन समझते हैं, वो सिर्फ निमित्त बनते हैं। क्या निमित्त बनते हैं? ये जनरेशन का उत्थान हमारे द्वारा होना है तो विश्व कल्याणकारी, क्योंकि 84 जन्मों में ज्यादा साथ किसका दिया है? किसी वर्ग विशेष का साथ दिया है या विश्व कल्याणकारी बाप का साथ दिया है? जन्म जन्म के साथ ही है। इसलिए बोला अपने साथ ही बच्चों से मिलने आए हैं। बुद्धिमान तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता हो। मन में कोई भी दुष्ट संकल्प नेगेटिव संकल्प किसी के लिए ना आवे। वाचा में कोई के प्रति दुर्वासा वाली वाणी न निकले। और कर्मों में कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म न हो
जो दूसरे को दुख दे जावे और संबंध भी मीठे संबंध हो, कोई के संपर्क मात्र में भी आवे तो उनको खुशी का अनुभव हो, ऐसी पवित्रता धारण करने वाले हो। आप देखो, आप ब्राह्मण आत्माएं हो और साधारण ब्राह्मण आत्माएं नहीं हो, परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं हो। आदि मध्यंत तीनों ही कालों में होली अस्त रहती हो क्या? आदि मध्यंत जो भी जनरेशन के निमित्त है, उस जनरेशन में, उस जनरेशन के बीच में आप जितने आदि में, मध्य में और अंत में भी, कलयुग के अंत में भी आप जितने पवित्र रहते हो, उतना कोई भी पवित्र नहीं रहता। तीनों ही काल में होलीएस्ट रहते हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहती हो तो वहां भी होलीएस्ट हो, परम धाम में ऊंच नीच होता है क्या? होता है? साकार दुनिया में ऊंच नीच होता है या परम धाम में होता है? साकार दुनिया की बात परम धाम की स्टेज में दिखाई गई है। जो ऊंची स्टेज दिखाई गई है वो जरूर है, इस साकारी सृष्टि में परम धामी स्टेज बनती है। इसलिए बोला कि परमधाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। जो परमधामी संगठन होगा, निसंकल्प स्टेज वालों का जो संगठन होगा, वहां भी तुम ऊंची सीट में होंगे, ऊंचे से ऊंची सीट होगी अपनी अपनी स्टेज में। फिर जब आदमी आते हो, कहां आते हो आदमी? है सतवी दुनिया में। फिर जब आदमी आते हो तो आदिकाल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे हो, होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रकृति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। प्रवृत्ति के बीच क्या? निवृत्ति मार्ग में नहीं, प्रवृत्ति मार्ग के बीच में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहना। संपूर्ण पवित्र कहां तक? संपूर्ण पवित्र कर्मेंद्रियों से संपूर्ण पवित्र या दृष्टि से संपूर्ण पवित्र? कर्मेंद्रियों के मुकाबले दृष्टि सूक्ष्म है और दृष्टि के मुकाबले वृत्ति सूक्ष्म है, तो कहां तक पवित्र रहते हो? प्रवृत्ति में रहते
राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेने वाले वो कहाँ तक पवित्र होंगे? दृष्टि तक पवित्र होंगे। और आप? आप प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र। दृष्टि मात्र से भी लूज होने वाले नहीं। कहाँ तक पवित्र? वृत्ति वाइब्रेशन तक पवित्र रहते हो। उस पवित्रता से जनरेशन पैदा होती है। और भी पवित्र बनते हैं क्या? ऐसे नहीं, आप ही पवित्र बनते हो, और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में भी टच नहीं कर सकती। सत्युग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वो श्रेष्ठ पवित्रता है। लेकिन आप जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माए और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आज में परमधाम में भी हाईएस्ट, है ना? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो जो परमधामी स्टेज होगी उसमें भी हाईएस्ट पोजीशन आपकी होगी। अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो, सीट कहाँ होगी? बाप के साथ साथ सीट होगी। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो, कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक आपकी पूजा होती है। इनके अष्टदेवों की, यहाँ उत्तर भारत में है अष्टदेवों के मंदिर है? नहीं है। चलो मंदिर नहीं है, कोई अनुष्ठान होता है तो पूजा होती है या नहीं होती है? कैसे? नवग्रह का जो पूजन होता है उनमें एक ग्रह है वैल्यूलेस और बाकी आठ है वैल्यूबल। तो विधि पूर्वक आपकी पूजा होती है। उत्तर भारत में मंदिर नहीं है क्या? अष्टदेवों के यादगार मंदिर नहीं है, फिर भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में मंदिर क्यों है? अरे क्योंकि बाप विदेशी बनकर आया हुआ है तो बच्चे भी डबल विदेशी बनकर आए हुए हैं। इसलिए
दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो यादगार रूप में आज भी और पुराने समय से भी यादगार मंदिर कहाँ बने हुए हैं? दक्षिण भारत। विधि पूर्वक पूजा होती है, जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतनी औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। सिद्धि कैसे मिलती है? विधि से सिद्धि मिलती है। तो विधि पूर्वक पूजा किनकी होती है? कोई कारण होगा। विधि से सिद्धि प्राप्त की है। विधि पूर्वक चलने से विधि विधान होता है ना? एक होता है विधि विधान पूर्वक चलने वाले और एक होता है कहीं कहीं मनमानी चाल चलने वाले। तो विधि पूर्वक आपके देवता रूप की पूजा होती है। जरूर आपने विधि विधान पूर्वक जीवन सफल किया है ब्राह्मण जीवन, तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कौन? ओम मंडली इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। वो तो तीन के लिए कहते हैं, आ ब्रह्मा विष्णु और मां महेश। लेकिन आप रिचेस्ट इन दी कल्प है क्या? सारा कल्प रिचेस्ट हो, अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इसे एक जन्म में प्राप्त करते हो, एक जन्म में कमाई करते हो, वो कब तक चलती है? अनेक जन्म चलती है। पूरा कल्प तो नहीं चलती है, क्योंकि आखिरी जन्म में तो नीचे गिरते हैं। तो एक जन्म तो कम हुआ ना, लेकिन अनेक जन्म कमाई चलती है। और कोई का भी खजाना अनेक जन्म नहीं चलता, सिवाय किसके? अष्ट देवों। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक अधिमाने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर के खजाने हैं। कोई को खजाने मिलते हैं शरीर में, कहीं शरीर से राजा के यहाँ जन्म लिया, या कोई बहुत पुराना धनवान है उसके घर जन्म लिया, तो दैहिक खजाने कहे जाएंगे। और आपके खजाने आध्यात्मिक खजाने हैं, शक्तियों का खजाना,
ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान सबसे जास्ती, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें सबसे जास्ती वैल्यूबल खजाना कौन सा है? उससे भी जास्ती एक है जो बहुत वैल्यूबल खजाना है, परमात्म प्राप्ति। समय को सफल करने का खजाना, समय का खजाना। आज की दुनिया में कोई से भी कहो आओ ये माल खरीदो, ईश्वरीय प्राप्तियां ले लो, लेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे, नहीं लेंगे तो वंचित तो हो जाएंगे, इस नरक की दुनिया में ही पड़े रहेंगे। तो क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। तो ये सर्व खजाने जन्म जन्मांतर आपके चलते हैं। क्या यानी जन्म जन्मांतर आपका समय का खजाना व्यर्थ नहीं जाता है? जो संगम युग में शूटिंग होती है वो शूटिंग जन्म जन्मांतर की बन जाती है। यहाँ ब्राह्मणत्व के जीवन में जो समय बर्बाद नहीं करते वो जन्म जन्मांतर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आबाद करेंगे। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने कितना जन्म आपके साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा आपको प्राप्ति होती है। कृष्ण और राधा को प्राप्ति किससे होगी? माँ बाप से प्राप्ति होगी। उनको देह का बाप कहेंगे या आत्माओं का बाप कहेंगे? वो परमात्मा प्राप्ति नहीं करते और आप डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्ति करते हो। परमात्मा द्वारा प्राप्ति होती है। तो ये नशा है कि हमारे खजाने कितने अविनाशी हैं। इन आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए आप सहज योगी बने हो। आप ही सहज योगी क्यों बने हो? और सहज योगी नहीं बनते क्या? सहज योगी का मूल कारण क्या है? हैं? कोई सहज योगी बनता है, कोई कठिन योगी बनता है। अच्छा, आठ ही देख पाते हैं और कोई नहीं देख पाते? आदत पड़ी है। आठ ही देखते हैं, बाकी नहीं देखते परमात्मा बाप को। सहज योगी सहज राजयोग। उसका मूल क्या है?
सहज कब होता है और कठिन कब हो जाता है? प्रेम कठिन है, प्रेम हो तो सहज। तथा कथित ब्राह्मणों को कठिन क्यों है? निरंतर याद भी कैसे होती है? सदा साथी पहला वाक्य क्या है? आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। साथ निभाने वाले हैं। तो सहज योगी बने हो, जितना साथी उतना सहयोगी। या उल्टा भी कर दे, जो योगी सो सहयोगी, जो जितना सहयोगी वह उतना योगी। सहयोग किया ही जाता है तन से, मन से, धन से। तो कहते हैं जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मन स्वतः ही सहज ही योग युक्त हो जाएगा। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। सारे जीवन की कमाई कोई कारखाने में लगा दे और फिर चला जाए योग लगाने महात्मा के पास, तो मन कहाँ भागेगा? कारखाने में भागेगा। तो याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिकर बादशाह हो। क्या कौन कौन से खजानों से बेफिकर हो? शक्तियों के खजानों से, गुणों के खजाने से संपन्न, और श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से संपन्न, समय के खजाने से संपन्न, और ज्ञान रत्नों के खजाने से भी संपन्न। सभी खजानों से संपन्न बेफिकर बादशाह। कोई खजाने के लिए फिकर है क्या? है फिकर, क्योंकि ये खजाने जो है इनको न चोर लूट सकता है और न राजा खा सकता है। क्या राजकाज की मशीनरी होती है ना, इनकम टैक्स है, ले जाता है। सरकारी ढेर ऐसे मौके में है जो खलास कर देते हैं। लेकिन उनके लिए भी पिछली अभ्यक्तवाणी में क्या बोल दिया? जैसे कोई की सारी संपत्ति राज्य अधिकारी हड़प कर लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो या कैसे भी हो, तो बर्बाद हो जाते। लेकिन तुम बच्चों के
भाग्य का भंडार खुल गया है। और इतना भंडार खुल गया है कि कोई कमी आने वाली नहीं है। तो आपको जो खजाने मिले हैं, न उनको चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। इंडिया में अभी कौन से शहर में सबसे जास्ती धन संपत्ति है? है बम्बई में। विनाश होगा तो क्या हाल होगा? सारी बम्बई पानी में डूब जाएगी। तो आपकी संपत्ति को पानी डुबाए नहीं सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं। रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है, क्या होता है याद का आधार? अरे इसने भी किस आधार पर होता है? क्या साकार के साथ क्यों याद? साकार के साथ क्या प्राप्ति है? प्यार क्यों होता है? स्नेह क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध। क्या? एक बात दूसरा ना, संबंध जोड़ना और संबंध को निभाना। तो याद का आधार होता है एक तो संबंध और दूसरा प्राप्ति। से प्राप्ति होती है तो याद आता है कि नहीं? लौकिक पाप से याद क्यों जुटती है? लौकिक, क्योंकि लौकिक पाप से वर्षा मिलता है, वो हद का वर्षा मिलता है। और ये वेद का पार लौकिक पाप है, इससे वेद की प्राप्ति होती है। तो सहज याद का आधार क्या बात बताई? दो बातें, एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। और संबंध भी जितना प्यारा संबंध होगा उतनी प्राप्ति स्वतः ही आवेगी। और अंत तक आवेगी। कौन सा प्यारा संबंध होता है जो अंत तक याद आती है? और पक्का पक्का बताओ, माँ भी याद आ जाती, नानी भी याद आ जाती? अरे कोई मरता है तो भगवान याद आ जाता, कोई स्त्री मरती है तो किसकी याद आ जाती है अंत में? और पुरुष मरता है तो अंत में किसकी याद आ जाती है? तो प्यारे से प्यारा संबंध कौन सा हुआ? ज्यादा से ज्यादा याद का आधार कौन से संबंध का हुआ?
तो बताया जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, याद करना नहीं पड़ता। संबंध जुटा और स्वतः ही याद आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह समाया हुआ है और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। याद करना मुश्किल होता है या भूलना मुश्किल होता है? कोई की कोई से लगन जुट जाए, लागत लग जाए, कहते ना। तो याद भूले नहीं भूलती, भूलना मुश्किल हो जाता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार आपके सामने क्लियर कर दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, बा मुश्किल योगी हो? सहज है कि कभी सहज होता है और कभी मुश्किल अनुभव होता है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, सर्व प्राप्तियों के दाता ने आपको सर्व प्राप्तियां कराई दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों की प्राप्ति करने की विधि है बिंदी। क्या जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ोतरी होती है कि नहीं? बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। क्या क्या बिंदी लगाना है? भक्ति मार्ग में तो माताएं यूं बिंदी लगा लेती है, पुरुष लोग यूं टीका लगा लेते हैं, ऐसे बिंदी लगा ले है? आत्मिक स्टेज, आत्मिक स्टेज की बिंदी लगाना भी मुख्य है। लेकिन ड्रामा की बिंदी लगाना भी मुख्य है। कुछ भी हो जाए, क्या दुनिया उलट पलट हो जाए तो क्या क्या हुआ? ड्रामा, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। और अगर फर्क पड़ गया, चेहरा उतर गया, आंसू आ गए, डिप्रेशन आ गया, तो कहेंगे बिंदी लगाई। तीन बिंदियां हैं, एक आत्मा की बिंदी है और दूसरी ड्रामा, बाप की बिंदी।
आत्मा की बिंदी पक्की होगी तो बाप भी याद आवेगा, आत्मा की बिंदी पक्की नहीं होगी तो बाप भी याद नहीं। देवान में होंगे बाप याद आ नहीं सकता। तो पहली पहली आत्मा की बिंदी और दूसरी बाप की बिंदी। और ड्रामा में जो भी होता है बीत जाता है, तो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। 2 फरवरी 2007 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो बिंदी लगाना आता है पहले से सब बातें बता देते हैं क्या? बिंदी लगाना आता है सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी। बिंदी लगाना ना, तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है, ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त हो जाता है। विशेष प्राप्ति करने वाले संबंध कौन से हैं? याद तो साजन सजनी के संबंध में बहुत आती है, वो तो पाप कर्मों का खाता पूर्व जन्म का होगा, वो क्या होगा, वो भस्म हो जाएगा। जास्ती याद आएगी तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आवेगा? योग अग्नि में पाप भस्म हो जावेंगे। लेकिन प्राप्ति क्या होती है, उसके लिए संबंध कौन से हैं? बाप, टीचर और सदगुरु। तो 3 विशेष संबंधों का 3 अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सदगुरु भी बनाया है। इन 3 संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, पालना कौन से संबंध से? बाप के संबंध से। पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है, जो भी कर्म किया खाता जमा हुआ, या घाटा हुआ, उसे चेक करने की विधि क्या बताई? जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट,
अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। और स्वयं असंतुष्ट हो गए तो खाता जमा नहीं हुआ, अथवा साथ ही असंतुष्ट हो गया तो भी खाता जमा नहीं हुआ। तो देखो, अगर स्वयं में बाजी से संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता है। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं, ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम के समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशारीरिक स्थिति में स्थित तो हो सकते हो, बाप दादा ने सहज विधि सुनाई कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, सारे दिन में दो शब्द भी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं और मेरा शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो याद करो कि मैं कौन, अकेला मैं नहीं, सोचो मैं आत्मा हूँ, ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कैसी श्रेष्ठ आत्मा? वर्तमान समय में जो भी ब्राह्मण है वो सब अपने को श्रेष्ठ आत्मा ही समझते हैं, लेकिन कैसी श्रेष्ठ आत्मा? गुण वाली। लक्ष्मी भी क्या सोचती है, लक्ष्मी भी सोचती है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ? लेकिन परमात्मा पालना के अंदर वर्तमान समय है, है? जगदम्बा भी क्या सोचती हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ? लेकिन पास्ट में या वर्तमान समय में? पास्ट में कहेंगे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कौन? जगदम्बा। वर्तमान समय क्यों नहीं कहेगी? हाँ, आप जानते हो कि आप श्रेष्ठ आत्मा क्यों हो, क्योंकि प्रैक्टिकल परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हो।
और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बुद्धि में कौन आता है? एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बाबा अपना अपना आ जाता है, कोई संगी साथी मेरा नहीं। मेरा बाबा एक बाबा, दूसरा न कोई। अर्थात परमात्मा बाप। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना जितना मेरा पन लाएंगे बाप में उतना ही आपकी याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो कौन याद आता है, है? सारे दिन का रिजल्ट देखो, चेकिंग करो कि सारे दिन में जो भी याद आते हैं वो कौन याद आते हैं। जिनमें मेरापन लगा हुआ है वो याद आते हैं, मेरा ही याद आता है ना। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को समान की सीट पर बिठाया है। ये समान की लिस्ट अगर इस स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि समान में स्थित है तो देवाना आ नहीं सकता। या तो देवान होगा या समान होगा। समान का अर्थ है स्वार्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने समान में स्थित हैं। जितना समान में स्थित होंगे उतना क्या रिजल्ट होगा? जितना समान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। मना देवान वाला दूसरे का अपमान जरूर करेगा। जितना जितना देहंकारी होगा उतना दूसरों का अपमान करेगा, और जितना जितना आत्माभिमानी होगा उतना दूसरों का सम्मान जरूर करेगा। तो समान में स्थित रहना कितना सहज है। तो देखो कि सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि जो खुशनुमा रहने वाला है उसकी निशानी क्या होगी? खुद खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बनाए देता है। बाप दादा सदा कहते हैं
कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गमाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी समाई हुई है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस हो जाता है। खुशी कोई कहा जाता है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। कितने भी खजाना हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वेल्थ भी है खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों चीजें समाई हुई है और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का ये खजाना गवाना नहीं, तो सदा खुश रहेंगे।